Hello friends, this is unboxing of Amazon dual stand for monitor. So there is box inside box. It's pretty heavy. ये बॉक्स को साइड में रखते हैं, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, ये ड्यूअल मॉनिटर स्टैंड है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और इसके साथ ये बहुत कुछ चीज़ें आती है। ये मेन रॉड है जो एक्चुअल स्टैंड का काम करेगा। ये अराउंड 45 सेंटीमीटर है। ये नीचे का ब्रैकेट है, इसके ऊपर स्टैंड लगेगा। ये इसके स्क्रूज एंड एवरीथिंग है। आई थिंक ये केबल मैनेजमेंट के लिए क्लैंप्स है। ये जो नीचे टेबल को जॉइन करने के लिए क्लैंप है, और ये इसका मेन आर्म है। ये और एक एलन की है, तो इसमें इतना ही है और कुछ है। तो ये बॉक्स को साइड में रखते हैं। ओके, ये एक्चुअल आर्म है, थोड़ा हेवी है और बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये ऐसे खुलता है और ये ऐसे खुलता है। तो आई थिंक दोनों आर्म को देखेंगे और ऐसे बिल्कुल वैसे देखेंगे तो आर्म लेंथ इज आई थिंक अराउंड 33 और 32-33 के अराउंड है। ठीक है, ये इसका क्लैंप है जिससे ये ऐसे निकलता है। ठीक है, ये एक्चुअल मॉनिटर को लगेगा। यहाँ पे दो क्लैंप है, ये वैसा माउंट है, तो बेसिकली आई थिंक 100 mm है और ये 70 mm रहेगा। और या दैट इज इट। तो अभी इसको असेंबल करते हैं। ओके, तो सब असेंबल करने के बाद सब ऐसा दिख रहा है। ये मेरा पुराना टेबल था, तो इसलिए ये लगाने के लिए मुझे यहाँ पे कटआउट करना पड़ा, और ये मॉनिटर स्टैंड नीचे से ऐसे लगा है। ओके, और ये मैंने ड्यूअल मॉनिटर स्टैंड लिया फॉर फ्यूचर प्रूफ, अगर इन फ्यूचर एक और एक मॉनिटर लगाना होगा तो। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको मेरा इंटेल NUC किया है अटैच, थोड़ा जुगाड़ किया है वैसा माउंट बैठने के लिए, क्योंकि इसका स्क्रू नहीं था मेरे पास। और यहाँ पे एक्चुअल मॉनिटर बैठा है। ये LG का 4K मॉनिटर है, इसका वेट अराउंड 6 kg है, तो काफ़ी फर्मली इन्वॉल्व है और होल्ड किया है। ठीक है, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। अभी आप देख रहे हो तो मेरा डेस्क प्रिटी मच खाली हो गया है, खाली कीबोर्ड और ये सब बाकी छोटा मोटा है, ये वायर है सब। कि ये मेरा एक्सटर्नल GPU है जो कनेक्टेड है इसको इंटेल नक को, और ये आगे से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा काइंड ऑफ सेटअप हो चुका है। यही दिखाना था
तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।